देश के सैनिकों का समर्पण व त्याग कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये बात पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ में केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पूर्व सैनिक संगठन के सम्मेलन में पूर्व सैनिक व उनके परिजनों को संबोधित करते हुए कही। भट्ट ने कहा कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने सैनिकों के कल्याण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतवर्ष का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्षों में कायाकल्प हुआ है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वह सैनिकों के देश के प्रति समर्पण व श्रद्धा को नमन करते हैं और उनके परिवारजनों व विशेषकर मातृशक्ति को भी नमन करते हैं। हाल ही में विश्व के एक संगठन द्वारा सर्वे हुआ है जिसमें दुनिया के रक्षा के क्षेत्र में 25 देश ऐसे हैं जो रक्षा उपकरण निर्यात करते हैं। उसमें भारत प्रथम स्थान पर आया है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने नारे लगवाए कि अब की बार 400 पार और हिमाचल की 4-4। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे 1 जून तक पार्टी को पूर्ण समय दें और शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश कश्यप को विजय बनाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि सैनिकों की पहली बार किसी ने चिंता की है तो वह मोदी सरकार है। आज आर्मी वेलफेयर प्रोग्राम के माध्यम से सैनिकों के परिवारों को बहुत सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया गया है। हिमाचल प्लस उसके लिए रवि तोमर की सिरमौर से रिपोर्ट। कुछ उसमें आई है बातें, सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली है, तो उसमें लचीली सरकार है हमारी, कहीं पर कमी बेसी हुई है तो उसको पूरा करने के लिए तैयार रहती है। जहां घोड़ा दे दिया तो वहां जीत आएगा ही आएगा, बिना घोड़े के जीत तो नहीं रहता। अब देखिए हम कहां चलेंगे। आज आप भी फौज में थे, 62 की लड़ाई के बारे में देखिए, अगर कोई आप में रहे होंगे, एक ब्रिगेडियर दलवी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी हुई है, शायद आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ी होगी। बताने को उतना मन नहीं करता, इतना ही बताते हैं कि उसे पढ़ोगे तो शर्म आएगी। खुद कहा उन्होंने कि मैं भी था ब्रिगेडियर, कहां तक भगा दिया हमको देश के अंदर तक, कहां कहां चौकियां आ गई और हमने दोबारा उसको किस तरह से कैप्चर किया है। इसीलिए तो फलाना देश कहता है बरेली तक मेरा है, फलानी जगह तक मेरा है, दुस्साहस करता है। लेकिन आज आंख उठा के भारत की तरफ कोई नहीं देख सकता है। मेरे फौजी भाइयों, मेरे ऑफिसर और सोल्जर से लेकर जितने लोग हैं, आपके त्याग तपस्या के कारण पूरी चीजें लेस करके दे दी हमने आर्मी को, पूरी चीजें, चाहे इसको वोट है, चाहे गूगल से है, या फिर वहां चलने वाले अन्य वाहन है, और हमारे हर प्रकार के हेलीकॉप्टर हैं, हमारे फाइटर हैं, हमारे रडार हैं, ये सब पब्लिक डोमेन में है। कुछ चीजें मैं बता नहीं सकूंगा आपको, आप जानते हैं, और बताना उचित भी नहीं होगा। जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं वो चीजें बता रहा हूं। फिलीपींस से अभी ब्रह्मोस का हमारा कितना बड़ा सौदा हो गया है। दुनिया के देश कह रहे ब्रह्मोस हमें दो, लेकिन हम कह रहे नहीं, मित्र देशों को जब भी देंगे, जिसे देंगे, कौन दोस्तों पर हम अच्छी तरह से बहस करेंगे। आज ये स्थिति आ गई है। एक समय वो था दे दे बाबा दे दे, बुलेट प्रूफ जैकेट दे दे, हमको गन दे दे, बंदूक, हमारे पास कहीं पर रॉकेट नहीं थे, छोटी छोटी चीजें भी बाहर से लाते थे। मोदी जी ने कहा पैरों पर खड़े होइए, जो पैरों पर खड़े नहीं होता, चाहे गरीब हो, अमीर हो, गांव का हो या शहर का हो, देश का हो, मोहल्ले का हो, उसकी इज्जत कम हो जाती है। अपने पैरों पर खड़े होइए और एक चीज भी बाहर से नहीं आएगी। हम इंजन भी बना रहे हैं, जिस दिन हमने इंजन बना दिया उस दिन समझो हम नंबर एक पर पहुंच जाएंगे विश्व में। आज हम एक भी चीज बाहर से नहीं ला सकते, एक भी चीज। इसको क्या और लोग नहीं ला सकते थे? कांग्रेस के लोग रोक नहीं लगा सकते थे? अरबों रुपए खर्च कर दिया आपने कील में, कांटे में, छोटी छोटी बातों में, यहां क्यों नहीं बनाया भाई? INS विक्रांत बना दिया भाइयों बहनों, INS विक्रांत में कम से कम 30 फाइटर रहते हैं। मुझे मोदी जी के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ डिफेंस का मंत्री होने के कारण, राजनाथ सिंह जी और मोदी जी के साथ। 1000 रोटियां बन रही हैं आपके आधे घंटे में, उसके अंदर 500 हमारे फाइटर हैं, 500 हमारे जवान हैं, अलग अलग तक देख रहे हैं, समुद्री सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, वहीं से फाइटर उड़ा रहे हैं। हमने अपना तेजस बना दिया, हमने अपना प्रचंड बना दिया। हमारी आज मिसाइल तो इतनी हो गई है, मैं गिनाऊंगा तो आप कहेंगे इतनी है हमारे पास। कर सकते थे क्या? 75 साल की आजादी के बाद 10 साल में हमने हिला के रख दिया। सिपरी नामक संस्था ने एक सर्वे करी है अभी,
वो अथॉरिटी है आर्मी के बारे में विश्व की है कि कितने टॉप देश हैं जो आर्मी के सामान को बना के बाहर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो इंपोर्टर थे पहले, भीख मांगे, दे दे बाबा, हमारी इज्जत ही नहीं थी। एक बार एक प्रधानमंत्री जी हमारे गए थे, 3 दिन के बाद टाइम दिया उनको एक देश ने, बोलना उचित नहीं है, आप सबको पता भी हो सकता है। सिप्री नामक संस्था के बारे में बता रहा था, उसने जब सर्वे में निकला कि देयर इज 25 कंट्रीज, कौन सी कंट्री, टॉप कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच वन एक्सपोर्टिंग ऑल द आई मीन टू से आर्म्स एंड एमिनेशन, कितनी, 25 देश निकले टॉप के देश जो आज बाहर के लिए भेज रही हैं साजो सामान। पहले भी हो सकता था लेकिन 2014 से आज तक आपने नरेंद्र मोदी जी को सत्ता दी, उनको वोट दिया, सही आदमी को वोट देने का क्या परिणाम होता है आपने देख लिया। उन 25 देशों में टॉप देश भारत, आपका देश, मेरा देश, हम सबका देश भी पहली बार आया है। इससे पहले नहीं थे हम, इससे पहले ये अदा में थे, दे दे बाबा, दे दे बाबा, दे दे बाबा, छोटी छोटी चीज के लिए। कहां चले गया, वैसे थोड़ी कायाकल्प होता है, 10 साल में देश का कायाकल्प हो गया। आज हम अर्थव्यवस्था हमारी ठीक ठाक है और हम लोगों ने स्वदेशी मुद्रा के भंडार को ठीक रखा है, विदेशी मुद्रा के भंडार को भी ठीक रखा है। कोरोना के दौरान में अर्थव्यवस्था चौपट हो गई संसार के देशों की, पाकिस्तान के अंदर तो आटा एटम बम बन गया, एटम बम मार दूंगा, एटम बम मार दूंगा कहता था, आज आटा हो गया। आपको पता होगा, आपने देखा होगा टीवी में कि आटा नहीं मिला, लोग रो रहे हैं, आटे के लिए संघर्ष हो रहा है। अगर कोई सेठ आदमी एक बोरा आटा चुपचाप कार में ले जा रहा, 5,000 आदमी अगले मोड़ पर घेर के बाहर खींच रहे हैं, आटे के बोरे को फाड़ रहे हैं, यो यो खा रहे हैं, जेबों में भी भर रहे हैं, उतने में ही गोलियां तलवारें चल रही, वहीं मर भी रहे हैं, वो आटा भी नीचे मिल जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमने क्या किया, कोरोना में कहा मरने नहीं देंगे, पैंडेमिक से ज्यादा मरते हैं, भूख से ज्यादा मरते हैं, पैंडेमिक से कम मरेंगे। 80 करोड़, 3 साल से 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। नहीं नहीं देना है राशन, मोदी जी ने कहा दो, जनता को बचाना है। तो कहने का मतलब यह है कि कहां चले गए हम, अर्थव्यवस्था की क्राइसिस आ गई थी। मैंने बताया आपको, जिन अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया, माताओं बहनों की बेइज्जती हमारे सामने करते थे, मार के टांग देते थे, कहते थे आजाद नहीं होना चाहिए भारत, इनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, यद्यपि वहां प्रधानमंत्री जो है इस समय इसी मूल के हैं भारत के, लेकिन तथापि देखिए ऊपर वाले के वहां देर है, अंधेर नहीं है। वो थे पांचवी शक्ति, 4 और देश, ये 5वां देश, उसको मानिए, ये 5 देश हैं जो पैसे टक्के में सबसे बड़े थे, उनमें से अंग्रेजों का देश भी था जिन्होंने हमको गुलाम बनाया। हम थे 11वें नंबर पर, दुनिया में हाय तोबा मच गई थी, खत्म हो गए थे, भुखमरी तो आज तक भी नहीं संभाल पाए, पाकिस्तान आप देख रहे हो बगल में। ऐसी स्थिति में 11 नंबर से उछाल लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मैनेजमेंट, उनके प्रबंधन ने हमको 5वें नंबर पर रख दिया है दुनिया में, और अंग्रेजों का पता नहीं कहां चले गए। यह है मोदी जी का प्रबंधन। एक ने कहा कि मेरे पास 100 साल का साध है, कुछ लोग खड़े थे वहां, उन्होंने कहा जरा चखाया, चखा कैसे होता, चखा कि भारत के न्यायालयों के फैसले को इंग्लैंड का सम्राट देखेगा लास्ट में, उसको समीक्षा करने का अधिकार होगा। कम लोगों को पता होगा आप में से भी, वो भी हटा दिया इस बार सारे लोगों का। ऐसे कानून जो अनुपयोगी थे लेकिन चल रहे थे उनको भी हटा दिया, आईपीसी इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और एविडेंस एक्ट, तीनों को बदल दिया और भारत के अनुरूप बना दिया। ये पहली बार हुआ, कम लोगों को पता है। आप कहते थे यार मुकदमा हो गया, 307 मारने का प्रयास किया, अब 307 नहीं चलेगी, नए एफआईआर दूसरे से होंगे, 302 लगा दी, किसी ने मर्डर कर दिया उसकी सेक्शन बदल दी,
एविडेंस में जैसे माताओं बहनों को छेड़छाड़ करते थे पहले से 164 के बयान होते थे और उसमें भी कभी मुकर जाते थे या फिर बयान साधारण लिखते थे नीचे दस्तखत नहीं कराते थे, आज सीधे सीधे एविडेंस में आपकी वीडियोग्राफी हो जाएगी, मुकर नहीं सकता है कोई, कल को जान का खतरा भी नहीं हो सकता है, नहीं तो ऊपर वाले डरा देते थे तूने ऐसा बयान दिया है मार देंगे नहीं तो तुझे ठीक कर देंगे। कितना अच्छा कर दिया माताओं बहनों के लिए। तो आज मोदी जी ने एक किस्म से कही है कि पूरे बोरे खोल दिए, कानून में बहुत पावर दे दी। हिमालय की चोटियों पर है, लद्दाख में है, लेह में है, तो क्या हो रहा होता वहां और लोग होते और देश आज जो हम कह रहे हैं ये ना होके हम किसी और देश के हिस्से होते। इसलिए मैं पुनः आपको एक बार और सैल्यूट करता हूं कि आप लोगों का ध्यान, रिटायरमेंट होने के बाद भी आप जो समाज को गति देते हैं, बैठते हैं, आपका बोलने का, बात करने का, नियोजित काम करने का, गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने की अपनी एक शैली है, क्योंकि आपने हमेशा ईमानदारी देखी है, देश प्रेम देखा है, इसके अलावा कुछ सीखा ही नहीं, डेडिकेशन देखा है, परिवार के प्रति डेडिकेशन, देश के प्रति डेडिकेशन, सारी चीजें रही हैं। और जब युद्ध भूमि में होते हैं तो उस समय न माता पिता याद रहते हैं, न अपनी पत्नी या बच्चे याद रहते हैं, किस जाति किस धर्म किस वर्ग के हैं ये भी याद नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ तिरंगे की आन बान शान के लिए न्यौछावर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं वीरांगना बहनों से भी ये कहना चाहता हूं, सबको पता है किसी ने पति खोया, किसी ने बेटा खोया, लेकिन हिम्मत के साथ आपने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते गए, आपने कंधे से कंधे मिलाकर समाज में अपना जो कर्तव्य होता है वो निभाया और जिनके बच्चे हैं उनको पढ़ाया, आगे भी गए। हमारा एक है, आपको पता होगा, वेलफेयर जिसमें आपका पूरा चलता है, आर्मी वेलफेयर प्रोग्राम जो हमारे होते हैं उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीजें देते हैं। अपनी बहनों में अगर दो लड़कियां हैं, विडोज हो गई हैं, तो उनको 50-50 हजार रुपए देते हैं, पता तो होगा वैसे आपको जो देख रहे होंगे वेलफेयर कार्यक्रम को देख रहे होंगे, एक्स आर्मी वेलफेयर प्रोग्राम, तो उसको जो देखते होंगे, और भी कई चीज है, डॉक्टरी इंजीनियरिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए अगर कहीं पर जरूरत पड़ती है उसमें भी पैसा देते हैं, मेडिक्लेम भी देते हैं, मेडिकल के तौर पर कितना क्या देना है वो भी हमने उसकी कीमत भी बढ़ा दी है, पहले कम था अब उसको डबल कर दिया है। वैसे ये बात कभी आपके बीच में होगी, आप बताते भी होंगे, सारी चीजें धीरे धीरे करके हम आगे ला रहे हैं। और एक्स आर्मी वालों के बच्चे अगर इंजीनियरिंग डॉक्टरी करते हैं एक पर्टिकुलर वर्ग से आगे, तो उनके लिए भी पूरी सुविधा हम देते हैं हर जगह पर। और आर्मी में भर्ती होना है तो उनको भी कुछ ना कुछ अपना अपनी तरफ से कोई सहायता है।